हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुशांत चेस क्विज में। तो आज का टॉपिक है यूजिंग एंड गेम्स फॉर इंप्रूविंग लॉन्ग कैलकुलेशन, यानी कि हम लॉन्ग कैलकुलेशंस जो एंड गेम में होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा इमेजिनेशन इंप्रूव होगा। एंड गेम में फायदा यह है, स्पेशली किंग एंड पॉन एंड गेम्स की बात कर रहा हूँ, पीसेस कम होने की वजह से एक पार्ट ऑफ द बोर्ड पे इमेजिन करना पड़ता है और ज्यादा पीसेस याद नहीं रखना पड़ता है। तो इसको हम यूज करेंगे लंबा कैलकुलेशन अपना डेवलप करने के लिए। ये पोजीशन व्हाइट टू प्ले है, ब्लैक का लास्ट मूव G6 था, टेक्निक टोटली फॉल्टी हो गया। हमने सीखा कि फर्स्ट पॉन बनाने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा पॉन को पहले पुश करना चाहिए, तो H6 G6 H5 ज्यादा अच्छा था और किंग C6 भी कर सकता था ब्लैक, पर ये पोजीशन है हमारे सामने। अब व्हाइट का मूव है, व्हाइट को यहाँ पे केयरफुली कैलकुलेट करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर पार्ट हम माइंड में कैलकुलेट करें और फिर बोर्ड पे करेंगे मूव्स। अगर व्हाइट किंग E5 खेला ताकि किंग F6 एंट्री मिल जाए, तो KE5 के बाद KC6 से पॉन अटैक्ड हो जाएगा और जैसे ही KF6 करेंगे H5 आ जाएगा। H5 के बाद जितना पॉसिबल ही नहीं होगा, आइदर ब्लैक जीत जाएगा या तो ड्रॉ हो जाएगा गेम। तो KE5 ब्लंडर है, पहले तो ब्लैक के पॉन्स को रोकना बहुत जरूरी है। तो एक ही राइट मूव बचता है यहाँ पे, वो है G5 के बाद मेन मूव है किंग C6, जिसमें ऐसा लगता है कि फिर से व्हाइट का जो किंग है वो अटक जाएगा। फॉर एग्जांपल G5 KC6 KE5 किंग D7। अब किंग F6 करते ही किंग इनटू D6, किंग टेक्स F7, किंग E5, किंग G7, किंग F5, G5 का पॉन अटैक्ड हो गया, किंग टेक्स H7 को G5 चला जाएगा और किंग H6 में रेसिप्रोकल जुगजांग होता था अगर H पॉन नहीं होता, पर H पॉन होने की वजह से ब्लैक सिर्फ KG4 कर देगा और H7 का पॉन मारने पे KG5 और ब्लैक विनिंग हो जाएगा। इस वेरिएशन को हम करके देखते हैं। तो G5, KC6, KE5, KD7, KF6, KD6, King takes F7, KE5, KG7, KF5, KH6, KG4, KH7 और KG5। तो इस तरह से हमने पूरा कैलकुलेशन पहले माइंड में किया और फिर बोर्ड पे करके देखा। अब इसी तरह से हम जो मेन लाइन है, राइट मूव है व्हाइट का, उसको पूरा एंड तक माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखने में बहुत इजी लगता है, जिनको मिडिल गेम कैलकुलेशंस करने की, लॉन्ग कैलकुलेशन इमेजिन करने की आदत है, उनके लिए बहुत इजी होगा, पर जिन्होंने कभी लॉन्ग कैलकुलेशन इमेजिन करने का प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ये एग्जांपल बहुत ही यूजफुल है। इससे हमारा इमेजिनेशन बहुत अच्छा और जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगा। तो G5, KC6, KE5, KD7, उसके बाद फोर्थ मूव है KD5। D6 पॉन को सपोर्ट रखना जरूरी है। अब ब्लैक ड्रॉइंग टेक्निक यूज करेगा, किंग को D8 पे ले जाएगा, व्हाइट को अपने आप अपोजिशन नहीं देगा। तो KD8 के बाद KC6, उसको KC8। अब दिखने में लगता है कि D7 के बाद तो स्टेलमेट होने वाला है, पर अगर हम ध्यान से आगे कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे D7 चेक, KD8, KD6, ये एक सेकेंड मेथड है पास पॉन से जीतने का। किंग साइड में हमने पॉन्स फिक्स कर दिया, तो किंग D8 के पास कोई प्लेस नहीं है और सिर्फ पॉन मूव्स बचे हैं यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं सेमी स्केलमेट पोजीशन, जहां पे किंग तो फंस गया है लेकिन बाकी कोई एक और मूव है, इस केस में दो मूव्स है। तो अगर F5 खेला तो G takes F6%, तो पोजीशन हमारे पास है किंग D8, पॉन D7, KD6, G takes F6, व्हाइट पॉन है N%, ब्लैक H5, फिर F7, H4, और अब हम देखेंगे क्वीन रूक बिशप नाइट, चारों ही केस में व्हाइट जीत जाएगा। क्वीन एंड रूक से इंस्टेंट मेट है, बिशप बनाने से H3 को Be7 मेट, नाइट बनाने से H3 को नाइट E6 चेकमेट। तो इस तरह से हम अपने इमेजिनेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम मूव्स करके देखते हैं। G5, KC6, KE5, KD7, KD5, KD8, KC6, KC8, D7, KD8, KD6 आ गया सेमी स्केलमेट का पोजीशन। H5 में भी प्ले सिमिलर होगा, F5, G takes F6, N%, H5, F7, H4, अब F
एफ8 क्वीन इंस्टेंट चेकमेट है रूक भी, और यहाँ पे अगर बिशप बनाए इससे हमारा इमेजिनेशन बेटर हो सकता है और कुछ नहीं। h3 को b7 मेट, f8 नाइट को, h3 को नाइट e6 चेकमेट। तो ये थोड़ा सा इजी एग्जांपल था, इसके बाद में और ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशंस ले आऊंगा जिसमें इमेजिनेशन हमें और एक्यूरेटली करना पड़े। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये लेसन कैसा लगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।